हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि पिछले 10 वर्षों का अगर हम पेपर उठा के देखें, एसएससी, रेलवे और पीएससी और अन्य एग्जाम का, तो ये जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन दोस्तों। तो आपके जो 2019 में एग्जाम होने वाले हैं, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सीधे एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं, तो वही ये 30 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप इस वीडियो को हमारे साथ सॉल्व करें या इसको मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व करिए और लास्ट में अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स करेंगे। मैं आपको हर क्वेश्चन में 3 सेकंड का टाइम दूंगा सॉल्व करने के लिए, तो आप मेरे साथ सॉल्व करते चलें। यदि आपसे नहीं आता है तो इस पूरे वीडियो को देखते रहें, आपसे पूरा 30 क्वेश्चन रेडी हो जाएगा जनरल साइंस का। रेलवे का जो ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम होने वाला है, एसएससी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में जो बगल में बेल आइकन उसको भी जरूर ऑन कर लें ताकि आपको एग्जाम से रिलेटेड ऐसी डेली वीडियोस नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, मैं जनरल साइंस का डेली जो है एक 30 क्वेश्चन का सेट आपको कराऊंगा, तो आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, प्लीज वीडियो लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, सबसे बड़ा फूल कौन सा है? आपको बताना है कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेफ्लोसिया। सबसे बड़ा जो फूल है वो है रेफ्लोसिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया, आपको बताना है हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 332 मीटर प्रति सेकेंड। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है दोस्तों? 332 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों, प्लीज वीडियो लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें सभी दोस्तों के साथ। तो एक लाइक जरूर करिए, अपना प्यार सपोर्ट दिखाइए, काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है वीडियो तैयार करने में, तो आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? आपको बताना है कि शुद्ध जल का पीएच वैल्यू होता है, पीएच मान वो कितना होता है। देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया है, आपको इसका आंसर बताना है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है दोस्तों, वो होता है न्यूट्रल, यानी 7 होता है, ठीक है, 7, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है दोस्तों, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, होमोसोपियंस, ठीक है, होमोसोपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसोपियंस। तो दोस्तों, आप इस वीडियो हमारे साथ आखिरी तक बने रहें, ये कुछ ईजी क्वेश्चन है, लास्ट में आपको कुछ टफ क्वेश्चन भी मिलेंगे। और दोस्तों, ये क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको पूरा सॉल्व करें और याद करते चले मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर फाइव है, कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? आपको बताना है कांच का जो पीला रंग होता है किस पदार्थ के कारण होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, फेरिक ऑक्साइड के कारण, ठीक है। कांच का जो पीला रंग होता है दोस्तों, वो फेरिक ऑक्साइड के पदार्थ के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है आपको बताना है। सनग्लासेस, उसमें किस लेंस का प्रयोग होता है उसमें? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्रूक्स कांच, ठीक है, क्रूक्स कांच। जो सनग्लासेस होते हैं उसमें लेंस में क्रूक्स कांच का प्रयोग होता है, ठीक है, याद रखेंगे, कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर तो प्लीज कमेंट करके हमें मोटिवेट जरूर किया, अगर तो प्लीज एक कमेंट आप करिए और साथ में जो सॉल्व करें उसका भी आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन सेवेंथ है, एक फायदम बराबर कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 6 फीट, ठीक है, 6 फीट होता है। क्वेश्चन एट्थ है, किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? आपको बताना है किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान जो है समान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, -40 डिग्री, ठीक है, -40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ दोस्तों, लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? आपको बताना है लीची का जो खाने योग्य भाग है वो कौन सा है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इरिल। लीची का जो खाने योग्य भाग होता है, पार्ट होता है, इरिल होता है, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर टेंथ है हमारा, सबसे छोटा फूल कौन सा है? अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था सबसे बड़ा फूल, अब आपको यहाँ पे बताना सबसे छोटा फूल कौन सा है। ऑप्शन दे रखे, 3 सेकंड का टाइम आपके पास है। तो ये दोस्तों वोल्फिया जो है सबसे छोटा फूल है, ठीक है, वोल्फिया। क्वेश्चन नंबर 11th है हमारा, मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? आपको बताना है कि मलेरिया रोग में शरीर का जो प्रभावित होने वाला अंग है तो कौन सा है वो। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है प्लीहा, ठीक है, ऑप्शन है प्लीहा। मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा दोस्तों? प्लीहा है। क्वेश्चन नंबर 12th है हमारा, किस रोग की रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? किस रोग की रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? TB के लिए, ठीक है, ऑप्शन है TB के लिए।
क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा दोस्तों, एक अशुशक्ति बराबर होता है, एक अशुशक्ति बराबर कितना होता है आपको बताना है। ऑप्शन सी 746 वाट, ठीक है 746 वाट, 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क में किया जाता है, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क में किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बॉक्साइट में, ठीक है एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क में किया जाता है, बॉक्साइट में, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, द्रव धातु तत्व तो कौन सा है, आपको बताना है द्रव धातु तत्व तो कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पारा, द्रव धातु तत्व तो कौन सा है, पारा है। देखिए दोस्तों 15 क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, आगे भी हमारे साथ बने रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है द्रव अधातु तत्व तो कौन सा है, आपको बताना है द्रव अधातु तत्व तो कौन सा है, ब्रोमीन है, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ठीक है द्रव अधातु तत्व कौन सा, ब्रोमीन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक न्यूटन किसके बराबर होता है, आपको बताना है कि एक न्यूटन किसके बराबर होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 10^5 डाइन, ठीक है 10^5 डाइन। तो ये आपको याद रखना है, एक न्यूटन बराबर किसके बराबर होता है, 10^5 डाइन। क्वेश्चन नंबर 18 था दोस्तों हमारा, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है, मलेरिया रोग का जो प्रमुख कारक है वो क्या है। ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम, ठीक है प्लाज्मोडियम। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, आपको बताना है पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.33, ठीक है 1.33। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था, विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन डी होपकिंस, ठीक है ऑप्शन डी होपकिंस। क्वेश्चन नंबर 21 है, हल्दी में पीला रंग का कारण क्या होता है, आपको बताना है हल्दी में पीला रंग का कारण क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हल्दी में पीला रंग आपको यदि पता है तो बताइए आप। कुरकुमिन के कारण, ऑप्शन बी कुरकुमिन के कारण होता है, हल्दी में जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों, कुरकुमिन के कारण। गैसों में गैस का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो ये है वायु, ठीक है ऑप्शन बी वायु। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, आपको बताना है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डायनेमो, ठीक है डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर मैं डेली क्विज पोस्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो ये दोस्तों रेशम उत्पादन से है सेरीकल्चर का संबंध, ठीक है कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन याद रखेंगे। हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ECG, ऑप्शन डी ECG। क्वेश्चन नंबर 26 है, खैरा रोग का संबंध किससे है, खैरा रोग का संबंध किससे है। धान से, ऑप्शन ए धान हो जाएगा, ठीक है खैरा रोग का संबंध किससे, धान से। केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप कितना होता है, आपको बताना है केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 300 केल्विन, ठीक है 300। दुग्ध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपको बताना है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल। ठीक है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन अदिश राशि है, इनमें से कौन सी अदिश राशि है। विद्युत धारा, ऑप्शन ए विद्युत धारा, अधिश राशि कौन सी, विद्युत धारा। टिटनेस रोग किसके कारण होता है, आपको बताना है टिटनेस रोग किसके कारण होता है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी बैक्टीरिया, टिटनेस रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है तो ये थे दोस्तों जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर लिखें दोस्तों, आप काफ़ी कम लोग कमेंट करते, प्लीज़ कमेंट जरूर करें, और अपना स्कोर आपने कितना स्कोर किया इस पूरे टोटल 30 क्वेश्चन में, अपना स्कोर जरूर बताएं आप हमें। और आपने दोस्तों नेक्स्ट किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, यदि आपको ये सीरीज कंटिन्यू रखनी है तो प्लीज़ हमें लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो का टारगेट लाइक्स आज का 5000 का, अगर 5000 लाइक्स पूरे जाते तो मैं आपके लिए कल भी ऐसी जनरल साइंस की इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद जय भारत।